नेशनल अस्पताल रीवा में तरबूज एवं कटहल जैसे बड़े कैंसर की गठान का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें, विगत दिनों नेशनल अस्पताल रीवा में डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, जो कि भोपाल के प्रख्यात कैंसर सर्जन माने जाते हैं, उनके द्वारा तरबूज जैसी बड़ी गठान का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया, जिस पर उन्होंने एक महिला जो काफी समय से पेट के कैंसर की बीमारी से ग्रसित थी। सारी तैयारियां करने के बाद डॉक्टर शुक्ला ने यह ऑपरेशन 3 घंटे में सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसमें एक तरबूज के बराबर की गठान महिला के पेट से निकाली गई। ऑपरेशन के बाद महिला पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। ठीक इसी प्रकार एक दूसरी महिला, जिसके गर्भाशय में भी एक कटहल जैसी बड़ी गठान थी, इसको डॉक्टर योगेश शुक्ला और डॉक्टर पूजा गंगवार के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें एक कटहल जैसी गठान बाहर निकाली गई। ऑपरेशन के बाद मरीज पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। इसमें अस्पताल संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने डॉक्टर योगेश शुक्ला, डॉक्टर पूजा, ICU स्टाफ एवं समस्त OT स्टाफ को इस जटिल कैंसर ऑपरेशन के लिए बधाइयां दी, तथा उन्होंने यह विश्वास जताया कि इसी तरीके से ऐसे दुर्लभ एवं जटिल ऑपरेशन निरंतर नेशनल अस्पताल रीवा में वह करते रहेंगे। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से 9 वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विगत दिनों हमने नेशनल अस्पताल रीवा में एक महिला जो पेट की कैंसर की गठान से पीड़ित थी, काफ़ी समय से इधर उधर कंसल्टेंसी वो ले रही थी, पर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। फिर नेशनल अस्पताल रीवा में हमने डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर, जो कि हमारे कैंसर सर्जन हैं, नियमित रूप से प्रतिमा आते हैं और ऑपरेशन और OPD देखते हैं, उनके नेतृत्व में हमने एक तरबूज के बराबर बड़ी गठान का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरी महिला, जिसको बच्चेदानी में कटहल जैसी एक बड़ी गठान थी, जिसको डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला और डॉक्टर पूजा मैडम के नेतृत्व में उसका भी एक सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ है। इस ऑपरेशन के लिए मैं डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर पूजा, ऑपरेशन स्टाफ, OT स्टाफ और ICU के समस्त स्टाफ को शुभकामनाएँ देता हूँ। और मेरा यह मानना है कि पिछले 1 सालों से हमने 50 से ज़्यादा कैंसर के ऑपरेशन अस्पताल में किए हैं, और यह प्रयास रहेगा कि ऐसे ही जटिल और दुर्लभ ऑपरेशन हम इस अस्पताल पे लगातार निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद।